नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार इस मंच पर एक नया अतिथि के साथ हम उपस्थित होते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप मरवाह जी, जो कि बहुत लोकप्रिय हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं मीडिया जगत में। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कई स्थापित किए हैं इस क्षेत्र पे, और साथ ही वर्तमान में आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। सर्बिया की एक यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की है। विश्व में 2300 जो शॉर्ट फिल्में हैं उनका निर्माण आपकी देखरेख में हुआ है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और साथ ही साथ आपको 500 से ज़्यादा विश्व के अनेक प्रतिष्ठानों के द्वारा अवार्ड प्रदान किए गए हैं फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया की जगत में बेहतरीन कार्य करने के लिए। कई टेलीविज़न प्रोग्राम, फीचर फिल्म्स और ट्रेनिंग फिल्म्स के द्वारा आप अनेकों तक अपनी बातें, जो प्यार, एकता और सद्भावना से जुड़ी हुई है, वो पहुँचाते रहते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत आज हमारे बीच है, आइए उनका अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी रिसेंटली ही आपको डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त हुई और साथ ही दादा साहब फाल्के की भी पुरस्कार की प्राप्ति हुई। दोनों के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक और बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। एक खास चीज़ मैं आपके लिए पढ़ रहा था डॉक्टर संदीप जी, कि ये सारी कार्य जो आप कर रहे हैं, विश्व में शांति हो, एकता हो, भाईचारा हो, सब मिल के रहें, यही एक विशेष ध्येय है। तो ये जो खास ध्येय है, ये ध्येय कहाँ से आपको प्राप्त हुआ, कैसे आप इस चीज को लेकर के चले? सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग, ये मेरे यत्नों से करुणा कर। मैं समझता हूं कि अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आपकी विचारधारा अच्छी है, तो आपके कर्म खुद ब खुद अच्छे होंगे, और अगर कर्म अच्छे हैं तो फल देने वाला तो वो है। जी जी। तो जो कुछ भी अचीवमेंट आपने इतनी सारी एक मिनट में गिन दी, मैं समझता हूँ मैं पूरा गिन नहीं पाया हूँ। ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे टीचरों का आशीर्वाद है, शायद मैं इस मकाम तक पहुंच पाया हूँ। जी जी। और जहां तक बाय लाइन जिसे आपने पढ़ा, मेरे हर प्रोग्राम के नीचे एक लाइन लिखी होती है, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। मैं फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट, कल्चर के जगत से हूं, और मुझे लगता है कि चाहे ये समय हो चाहे आने वाला समय हो, अगर आप इंसानियत को बांध सकते हैं, ह्यूमैनिटी को बांध सकते हैं, सारी दुनिया के लोगों को बांध सकते हैं, तो सिर्फ आर्ट और कल्चर से। जे, जे। क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चाहे सिनेमा हो और चाहे कोई भी इवेंट जुड़ा हो आर्ट और कल्चर से, जो लैंग्वेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर है वो है इमोशंस। और सारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनकी जो इमोशंस हैं वो सब कॉमन है। जे, जे। उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, बोलना, बातचीत, भाषा, सब अलग हो चुका है, विचारधारा अलग हो चुकी है, लेकिन अगर कोई चीज कॉमन है वो है इमोशंस। तो जो काम इमोशंस के साथ जुड़ा होगा वो एकता और मोहब्बत और शांति का अपने आप दूत बनेगा। सर, इमोशंस की जहां तक बात आती है, सभी चाहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस हमारे जीवन में हो, लेकिन आज नेगेटिव इमोशंस ज्यादा देखने में आते हैं। थोड़ी सी बात होती है, घटनाएं होती हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा हताश, निराश हो जाता है। ये जो माध्यम आपने चूज किए हैं, क्या इन माध्यमों के द्वारा ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उन्हें संसार में पुनः स्थापित किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज किसी चीज की कमी है तो वो है स्पिरिचुअलिटी की कमी, आध्यात्मिकता की। जी। लोगों को, लोग बिछड़ गए हैं, लोग पिछड़ गए हैं, और जो हमारे ओरिजिनल संस्कार थे हमारे अपने खुद हिंदुस्तान के, वो भी हम लोग भूल गए हैं। अगर इन सारी चीजों को फिर से एक बार वापस लाया जाए, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि आप इन सभी हालातों को बड़ी आसानी से झेल सकते हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अप्स एंड डाउन्स जो है वो हर बिजनेस का एक हिस्सा होता है, और हम लोगों ने भी सफर किया है, ऐसी बात नहीं है। कि जब मैंने फिल्म सिटी की योजना तैयार की थी तो लोगों ने मुझे आधा पागल डिक्लेयर कर दिया था, कोई और होता तो शायद काम छोड़ के भाग जाता, लेकिन शायद क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल एजुकेशन थी, जो मेरे माँ बाप ने बचपन से बिठाकर हमें ये संस्कारिक बातें जो बताई थी, शायद उससे हम लोग ज्यादा मेहनत कर सके और ज्यादा बर्दाश्त कर सके। तो आज अगर हमें जरूरत है तो स्पिरिचुअल एजुकेशन की, और
मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं खुद एक एजुकेशन सेटअप चला रहा हूं और हमारे शायद ये एकमात्र ऐसा फिल्म स्कूल रहा है जहां पर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एजुकेशन। वाह वाह सुंदर। और मीठी गोली खिलानी पड़ रही है अगर आप डायरेक्ट बातें प्रीचिंग करनी शुरू कर देंगे तो जी, आज जी। का स्टूडेंट क्लासरूम से भी भाग जाएगा। क्या यही मीठी गोली हमारे सिलेबस में भी शामिल किया जाए तो काफी बेहतर होगा, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से जितनी भी एजुकेशन की मीटिंग्स मैं चाहे वो सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे अटेंड करता आ रहा हूँ, ये बार बार बात मैं दोहराता रहता हूँ कि जब तक कि हमारी एजुकेशन के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का भाव नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे आने वाले युग में अच्छे तैयार नहीं हो पाएंगे। अच्छे साइंटिस्ट बन जाएंगे लेकिन जो आपने बात बोली कि छोटी इमोशंस के साथ वो पिघल गए मोमबत्ती की तरह तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो समस्याएं आती ही हैं चारों ओर, जैसे आपने कहा कि समस्याएं बहुत आई जब आपने फिल्म सिटी का निर्माण किया तो, लेकिन शायद उस संस्कार ने बहुत काम किया। मैं जानना चाहूंगा कौन से ऐसे मूल्यों को लेकर के आप चले जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आप अचल अडोल अडिग रहे और आगे बढ़ते रहे। मैंने एक कविता सीखी थी कि स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रस्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। तो परमपिता परमेश्वर ने इंसान को वो सब ताकतें दी हैं जो उसके पास खुद मौजूद हैं, चाहे वो जनरेट करने की, चाहे वो ऑपरेट करने की, या फिर डिस्ट्रॉय करने की। ये अब आपके ऊपर है कि इन ताकतों को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि मैंने इनका पॉजिटिव इस्तेमाल किया, जो आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जिसे कहा जाता है, और दृढ़ता, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो आपको डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर। कोई भी आप कार्य लेते हैं पीछे मत हटिए, जान लड़ा दीजिए, मेहनत करिए, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए ताकि वो आपके कर्मों को एक सफल रास्ता दिखाए और सफलता तक पहुंचाए। ये सारी चीजें एक दृढ़ता से आती हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन के अंदर ही ये संस्कार बन जाते हैं जी। जब बच्चा 10वीं क्लास तक होता है तो उस बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। तो हम लोगों को जो सारी एजुकेशन पे जो आज ध्यान देना है वो बेसिक नर्सरी केजी और उसके बाद फर्स्ट सेकंड और टेंथ तक जी, जी। अगर हमारा आज का युग का बच्चा ये बातें समझ गया तो मैं समझता हूँ कि वो आगे आने वाले समय में ज्यादा अच्छा और ज्यादा बड़ा काम कर सकेंगे। जी जी। मतलब माता पिता की भी भूमिका बहुत रहती बहुत है इस दौर में कि वो किस प्रकार के संस्कारों का बीज बोते। स्कूल की और माता पिता की जो भूमिका है वो संस्कार बनाने में सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रजापिता ब्रह्मकुमारी शरीर विश्वविद्यालय में आए हैं, आपने अध्यात्म की भी बात कही और ईश्वर की भी बात कही, ये विश्वविद्यालय इन दोनों की बात करता है, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर आ गया जबकि मैं पहली दफा यहाँ आया हूँ, लेकिन पिछले तकरीबन 10 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ पूरी संस्था के साथ। और क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के अंदर जितने भी ऐसे आध्यात्मिक इवेंट्स होते हैं उनके साथ मैं जुड़ा रहता हूँ और भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा रहता हूँ। और क्योंकि जो आव भाव मैंने देखे, जो सोच देखी, जो आइडियोलॉजी मैंने देखी है ब्रह्म कुमारी की, वो शायद मेरे बहुत नजदीक है। मैं समझता हूँ कि वो सभी बातें मुझे आज सुनने को मिली जो बचपन में मेरे माता और पिता ने मुझे कभी बैठकर सिखाई थी। अच्छा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं सोच रहा था कि ये सब बातें और ढोल बजाकर क्यों ना स्कूल कॉलेजों में जाकर बताई जाएं ताकि हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं उन्हें भी इन सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। जी जी जी। आप तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया एक ऐसा माध्यम है, आर्ट कल्चर फिल्म टेलीविजन, आप विशेष रूप से क्या एक प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि मैं अब ऐसा करूंगा जिसके माध्यम से ये जो सुंदर बातें हैं सब तक पहुंच पाएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल ही में हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है जी। हम लोग AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। इस यूनिवर्सिटी का स्टेटस का मतलब होता है कि आप कोई भी स्कूल खोल सकते हैं। अच्छा। तो मेरे पास सिनेमा का, मास कम्युनिकेशन का, टूरिज्म का, एनिमेशन का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, ऐसे मतलब तकरीबन 11 कॉलेजेस तो चल ही रहे हैं जी। और
यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी सोच थी वो ज्यादा पक्की हो गई कि मौका अगर मुझे मिलेगा तो इस यूनिवर्सिटी में मैं एक स्पिरिचुअल कॉलेज भी खोलूंगा। वाह, बहुत सुंदर। एक सुंदर सी चीज होगी कि लोगों तक ये स्पिरिचुअल बातें भी जा पाएंगी। क्या लगता है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है, इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा लोगों के जीवन में जो तनाव है, परेशानी है, चिंताएं हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सिर्फ सोच ही तो है। मुझे इतना पता है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। अगर आप गलत सोच में पड़ गए तो जो डिप्रेशन और जो सेटबैक और जो लाइफ लॉस, फैमिली लॉस, ये सारी चीजें जो हैं ये अचानक पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आपके पास ये शक्तियां हैं जो सोच बदल सकती हैं, जो कि ब्रह्म कुमारी के अंदर सारी बातें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जब आपकी सोच बदल गई तो आपको ये सारी चीजें बड़ी कमजोर नजर आएंगी। आपको किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हालातों से लड़ना सीख लेगा, ये मेरा मतलब है। जी 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 जी, राजयोग के माध्यम से भी जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। आपने कहा कि कैसे हम अपने अंदर के गुणों को, शक्तियों को जगाएं। राजयोग का जो एक खास अभ्यास यहाँ कराया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में, मेडिटेशन का अभ्यास, उसकी आपकी अनुभूति कैसी रही? बहुत बढ़िया रहा। मैं खुद मेडिटेशन सेंटर में बैठकर थोड़ी देर आत्मविभोर हो गया और मैं खुद एक नई एनर्जी का मुझे आभास हुआ और आपका लिंक एक आत्मीय शक्ति के साथ होना शुरू हो जाता है। आपको एक नई एनर्जी मिलती है, आप खुद फील करते हैं कि अब आप पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और वही पावर जो आप फील कर रहे हैं वो पावर आपको इन हालातों से लड़ने के लिए और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। इस चीज को व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता, आपको क्या लगता है? आज बाहर की दौड़ तो बहुत ज्यादा है, व्यक्ति मुझे लगता है 24 घंटे में से कोई 17 घंटे, कोई 18 घंटे, कोई 20 घंटे भी लगा देता है बाहरी दौड़ में, लेकिन ये जो अंदर से अपने आप से जुड़ना या ईश्वर से जुड़ना, उसके लिए कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं, समय बहुत बलवान है। हकीकत ये है कि इतने इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना इलेक्ट्रिकल्स, इतनी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हो चुकी हैं कि जिसके अंदर आदमी का ध्यान जो है वो बट गया है। तो सिर्फ याद दिलाने वाली बात आती है कि लोगों को पता है इंसान तो वही है, जो आप हैं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो है, तो ये इंसान तो वही है, परमात्मा ने इंसान तो एक सही बनाया है। कुछ लोग भूल गए, कुछ याद रखे हुए हैं और कुछ को याद दिलाना है। मैं समझता हूं कि जो ब्रह्म कुमारी काम कर रही है वो शायद इससे बड़ा पवित्र काम हो ही नहीं सकता। इंसानों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आप भी परमात्मा के ही अंश हैं और आप में वो शक्तियां मौजूद हैं, तो आप उनको याद करिए, उससे एक लिंक बनाइए और रोजमर्रा की जिंदगी भी सुख और आराम से जिए। जी 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 जी, और ये याद दिलाने वाली जो बात है सचमुच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोगों में ये जागृति लाई जाए। आजकल जो टेलीविजन के माध्यम से जो चीजें परोसी जा रही हैं, मैं आपके फील्ड पे आ रहा हूँ, या फिल्में बन रही हैं, या मीडिया की बात लें, तो ये जो जागृति की बात है, अध्यात्म की बात है या मूल्यों की बात है, नहीं लगता कि कहीं प्रतिशत इनका कम है, प्रतिशत बढ़ना चाहिए ताकि लोगों में ये जो आध्यात्मिक जागृति है हो? ये तो युगों युगों से प्रॉब्लम चली आ रही है। इस बार दोष टेलीविजन और सिनेमा को मिल जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पुराने जमाने में चले जाएं, युगों पीछे चले जाएं, तो ये प्रॉब्लम रही है, क्योंकि इंसान जो है वो उस युग की जो कृत्रिम चीजें हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल लाइफ है, उनके साथ जुड़ा है, हमेशा जुड़ा है। आज तो और ज्यादा जुड़ गया क्योंकि इतनी सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हो गई, इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट हो गया, इतनी ज्यादा अवेबिलिटी हो गई और इतनी ज्यादा एसेसिबिलिटी हो गई, तो उससे ध्यान तो टूटा ही और ये होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, आप एक दिन में पूरे देश को धर्मात्मा नहीं बना सकते, लेकिन शुरू तो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने शुरू किया, मैंने शुरू किया, मेरे पड़ोसी ने शुरू किया, फिर उसने आगे चार लोगों को समझाया, तो मैं समझता हूँ ये हम लोग अपना काम करते रहें, बाकी हम लोग परमात्मा के हाथ पे छोड़ देते हैं। जी जी, मतलब शुरुआत जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल।
होनी और ये शुरुआत होगी तभी एक परिवर्तन का सुंदर सा दौर आएगा। और ऐसा नहीं है, कितने योग और योगा के स्कूल खुल गए जी, कितने आध्यात्मिक सेंटर खुल गए, 8500 तो ब्रह्म कुमारी के ही चले गए और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जी, जी। एक संस्था हमने भी बनाई है वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन। अब इस संस्था के जरिए हम लोगों ने तकरीबन 145 मुल्कों तक पहुंच बनाने की कोशिश की है, करीब 70 से भी ज्यादा मुल्कों के लोगों के साथ मैं MOU बना चुका हूँ, करीब 120 से भी ज्यादा मुल्कों के स्टूडेंट जो हैं वो हमारे यहाँ के पढ़ चुके हैं। बहुत सुंदर, एक एक करके मुझे लगता है कि ये सीढ़ी चढ़ी जा सकती है, मतलब ये कार्य हो रहा है और जरूर इस कार्य को आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये इस मन से यही प्रयास करते हैं कि सभी अपनी सुंदर जो चीजें हैं उनको सब तक जरूर पहुंचाएं। आपके विचार से डॉक्टर संदीप जी, ये जो आज एक हम स्थिति देख रहे हैं समाज की, मीडिया में जो बातें आती हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, अन्याय की हो, रेप के केसेस हो, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये देखने में आ रहा है, क्या लगता है आपको कि ये स्थिति क्यों बनती जा रही है? शिक्षित तो हम होते जा रहे हैं, भौतिक रूप से बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं क्या? रेस्टलेसनेस, लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। अगर सोच अच्छी बन चुकी होती तो शायद ये सब काम करने से पहले आदमी 10 दफा सोचता, बोलने से पहले बातों को तोलता, तो शायद गलती होती नहीं। लेकिन अभी क्या है कि वो जो बैलेंसिंग विच इज विद इन इनसाइड, हमारे अंदर ही तराजू लगा हुआ है, अगर उस तराजू का इस्तेमाल करना ही हमें नहीं आ रहा है जी। अगर वो तराजू आप तोलना सीख लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप ये सोच लें कि मेरे बोलने से आपका मन दुख जाएगा, अगर मैं ये जान सकता हूं तो मैं गलत बोलूंगा ही नहीं, तो वो अभ्यास से आएगा जी। वो अभ्यास से आएगा, शिक्षा से आएगा, अच्छी सोच से आएगा, अच्छे माहौल से आएगा और कुछ एफर्ट से आएगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि आज के युग के बहुत सारे लोगों ने एफर्ट्स करना ही छोड़ दिया। वो इस एफर्ट, अगर कोई कहता है कि आप सूर्य उदय पे सूर्य नमस्कार करिए, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये एक अच्छी हेल्थ का एक बहुत बड़ा कारण था कि पूरी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, आपकी आंखें तेजस्व हो जाती हैं, आपका मस्तिष्क जो है वो तेज हो जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में आप हृष्ट और पुष्ट हो जाते हैं। उसको हमने अपने स्पिरिचुअलिटी और फिर रिलीजन के साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन आज पूछिए किसी से कि क्या आपने सूर्य उदय देखा है, तो ये एक सवाल बन गया ये जी, तो जी। बहुत सारी जो डाइवर्शंस आ गई हैं, उससे हम लोग कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल संस्कार और स्पिरिचुअलिटी के ये जितने जो अध्याय थे वो भूलते चले जा रहे हैं। बस इनको एक बार सामने रखकर फिर से याद कराने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये एक सुंदर सी जो चीजें हैं उन्हें हम जीवन में जरूर लाते चलें। तो इस मंच से क्या कहना चाहेंगे सभी को आप डॉक्टर संदीप जी, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आपने भी कहा कि लोगों ने प्रयास करना छोड़ दिया है। यदि वो समाज को देखते हैं लगता है कि नहीं, सभी जिस ढर्रे पे चल रहे हैं शायद हमें भी उसी ढर्रे पे चलना होगा, तो शायद वो अच्छाई वाली जो बात है कहीं ना कहीं दब सी जाती है। क्या कहेंगे इस मंच से सभी को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के युग को जीने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, हम लोग थोड़ा सा जरा सा पीछे हटकर मुड़कर अपने पुराने संस्कारों को ताजा कर लें, उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उस पे सोच और विचार करें और उनको सिर्फ अपनी आम जिंदगी का हिस्सा बना लें। कोई नहीं कहता कि आप पंडित महात्मा मुनि योगी पीर बन जाइए, कोई नहीं कहता आप घर छोड़कर बाहर चले जाइए, कोई नहीं कहता कि आप साधु संतों के हिमालय की पहाड़ों पर चले जाइए, लेकिन जो संस्कारिक बातें पुरानी लिखी गई हैं जिनसे हमारे तन मन और आत्मा का शुद्धि होती है और आप अपनी आम जिंदगी भी जी सकते हैं, उनको अपनाने में कोई भी, मैं समझता हूँ, संकोच नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में जरूर लेकर के आए। आपके जीवन पे आना चाहूंगा एक प्रश्न, आप जिस सफलता के मुकाम पे हैं, क्या अध्यात्म में उसकी क्या भूमिका मानते हैं, और यदि हमारे दर्शकों को सफलता के अपने जीवन से 3 मंत्र देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? ये तो खैर मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सफलता के उस दर्जे पे खड़ा करके रख दिया। मैं अभी भी उतनी मेहनत करता हूँ जितनी मैं पहले दिन करता था। आज भी मुझे लगता है कि मैं स्ट्रगलर हूँ, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल से ज़्यादा काम करना है, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे अपने हिंदुस्तान के संस्कार हैं, अच्छी सोच, अच्छी बातें, सबसे पहले तो बोली ठीक की जाए। जो हालात खराब हो रहे हैं वो बोली की वजह से। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख भारान, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद शीतल होए। तो जो यहाँ से शुरू की जानी चाहिए, अगर आप समझते हैं कि अच्छी बोली पूरे माहौल को बदल देगी, लोगों का दिल जीत लेगी, मन जीत लेगी, आपका काम आसान हो जाएगा, लोग खुद ब खुद आपके लिए काम करना चाहेंगे। तो जो अच्छा माहौल पैदा होता है वो अच्छी बात करने से ही होता है। जी जी। पहला जो मैं समझता हूँ, जो मैंने मंत्र सीखा, जो कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। बिल्कुल। दूसरा, मैंने सबसे ज्यादा तवज्जो दिया कर्म के ऊपर। पेपर पे बैठकर बहुत सारी प्लानिंग लोग कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो पहले तो कर्म, कर्म ही पूजा है। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो आप कर्मों पे एम्फेसिस दीजिए, जान लड़ा दीजिए, मेहनत करिए। जब तक आप सफलता का चिन्ह नहीं आपको मिल जाता, तब तक पीछा मत छोड़िए कर्म का। दैट मीन्स परसुएशन, लॉन्ग परसुएशन। और जब तक आप कर्म करते रहेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कर्म और उसकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। कर्म कर रहा हूं और इंटेंशंस गलत हैं या सोच गलत है, तो फिर वो कर्म आपको सफलता नहीं ला के देगा। तो ये दूसरा मंत्र होना चाहिए आज के युग के लोगों का, कि आप प्लीज गिव मोर इम्फेसिस ऑन कर्म। आपके वर्क इज वर्शिप, इतनी पुरानी कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि जो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, यानी कि उनकी सोच, उनकी सलाह, उनकी उनका ज्ञान और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद। क्योंकि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। तो आपके पास सोच है, गीत है, गायन नहीं रहे आप, तो दैट काम करने की बहुत जरूरी बात है। और फिर यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। तो आप काम भी वह करिए, कम से कम ये तो देख लीजिए कि दुनिया भी क्या चाहती है। जे, जे, तो रिसर्च वर्क पे मैं बहुत एम्फेसिस देता हूँ। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो रिसर्च पे जरूर एम्फेसिस दीजिए। और लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। आप कितने पैशनेट हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने ऑनेस्ट हो, लेकिन अगर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है आपके ऊपर, तो इसका मतलब झुक के रहिए, नर्म रहिए, ह्यूमन बीइंग रहिए, इंसान बन के रहिए। ईगो हैसल नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें इसके अंदर फिर आ जाती हैं। अगर आप नर्म हैं, आसान हैं, आप शीतल हैं, तो मुझे लगता है कि आपके काम खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे, परमात्मा भी आपको आशीर्वाद देगा। जी जी, बहुत सुंदर सूत्र आपने हमारे दर्शकों के सम्मुख रखे हैं, और जरूर वो इस पे अमल करेंगे और अपने जीवन में भी जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं जरूर उन्हें भी प्राप्त होगा। चलते चलते एक बार पुनः चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारीज में जो आपको आने के बाद अनुभव हुआ है, उस अनुभव को जरूर हमारे दर्शकों के साथ बांटें। मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत माहौल, एक बड़ा जबरदस्त वातावरण। सिर्फ ये नहीं कि ताजी हवा मिली, ताजा सोच मिली। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखी, मुझे पहली दफा ये देखने को मिला कि जितने भी लोगों को मैं मिला और जितने भी लोगों को मैंने देखा, उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी थी। और जो देने की भावना, मतलब पीपल आर रेडी टू सेक्रीफाइस, पीपल आर रेडी टू पास ऑन, ज्ञान से शुरू होकर और ध्यान तक, हर चीज आदमी वहां देने को तैयार है। तो ऐसा लग रहा था कि कितना मीठा माहौल था। और इस माहौल के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि लेने की इच्छा ही खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि जब हर आदमी बांटने को तैयार बैठा है, अपनी जिंदगी, अपना समय, अपना खाना, अपना ज्ञान, तो जो लेने की इच्छा थी वो खत्म हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस जा रहा हूं एक स्टेप ऊपर होकर। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक और ऊंचे प्लेटफॉर्म पे आज आ चुका हूं, और थोड़ा सा पहले से ज्यादा ज्ञानी हो गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर संदीप जी आपसे बात करके। आप पुनः पुनः बारंबार यहां पे आए, और ये जो आपका लेवल है और ऊंचा उठता चला जाए, ऐसे हम कामना करते हैं।
और सारे विश्व को जो आप सुंदर बातें दे रहे हैं उसमें और आगे बढ़ते चलें और सारे विश्व को सुंदर बनाए, ऐसी हमारी कामना है। आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें, ये भी हमारी ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शांति मित्रों, कितनी सुंदर सी बात है कि जीवन में यदि आध्यात्म प्रवेश कर ले तो सचमुच जीवन तरक्की की ओर चलने लगता है। मूल्यों का सृजन स्वतः होता चलता है। जिन मूल्यों की हम बाहर तलाश करते हैं वो हमारे अंदर ही हैं। यदि थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं सुप्रीम के साथ, और आध्यात्म इसमें हमारी मदद करता है। सफलता तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन आध्यात्म के माध्यम से इसे हम प्राप्त करें ऐसी सोच कई बार नहीं रख पाते। तो क्यों ना आध्यात्म के द्वारा अपने आंतरिक गुणों का विकास करें, सफलता स्वतः हमारे कदम चूमेगी। तो आपका जीवन सुख से, आनंद से और सफलता से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।